Assalamualaikum. Welcome to World Solution Point. मैं हूं दानिश। इस वीडियो में हम फुल सैलून मैनेजमेंट सिस्टम का एक कोड लिखेंगे और उसको समझेंगे और उसको एंड पे हम डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं लगती तो आप कमेंट करें, आपको 24 आवर्स के अंदर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने इस प्रोजेक्ट में जावा के बेसिक टू एडवांस सारे फीचर्स डालने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जो हमारे जावा के प्रोजेक्ट की आउटपुट आएगी, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। चले आ जाएं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोग ये डेटाबेस देख लें, जिधर हमारा डाटा सारा स्टोर हो रहा है। जो भी हम सॉफ्टवेयर में इनपुट देते हैं वो सारा का सारा डाटा इधर स्टोर हो रहा है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, सॉफ्टवेयर एक सैलून डेटाबेस सैलून मैनेजमेंट सिस्टम। उसको अब मैं आउटपुट पर क्लिक करूँगा, ये भी इधर से रन होगा ये और आउटपुट शो हो जाएगी। और इधर मैं सबसे पहले लॉगिन करूँगा जो एडमिन होगा सैलून का, इधर मैं पासवर्ड डाल दूँगा और इधर से मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा और इधर से पहले ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद इधर मैं ऐड कस्टमर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इधर मैं नेम लिख दूँगा कोई भी। मैं इधर लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ, सैयद दानिश मैंने नाम लिखा। और इधर से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ हेयर स्टाइल। और उसके बाद इधर मैं सर्विस चार्जेस, क्योंकि मैं अभी एडमिन हूँ तो मैं ही एंटर करूँगा, जो भी कस्टमर्स आएंगे तो वो मैं उसका उनका डाटा एंटर करूँगा। इधर मैं ऐड पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा डेटाबेस में भी और हमारे इस सॉफ्टवेयर में भी। अभी अच्छा ये देखें, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा रिसेंटली जो हमारे पास है, रिसेंटली डाटा जो हमने एंटर किया है वो शो करेगा। और जो हमारे पास ये हमारे पास डेटाबेस का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में जितना भी, ये देखें इधर जितना भी डाटा स्टोर हुआ हुआ है ना, वो सारा का सारा हमारे पास उठा के इधर ले आएगा। ये देखें, ये हमारे पास स्क्रॉल बार भी लगाई है और सारी डाटा आ रहा है। और इधर से हम लॉगआउट भी कर सकते हैं, ये हमने इधर से लॉगआउट कर देता हूँ। और ये देखें इधर ये फिर से लॉगिन स्क्रीन आ गई है, मैं लॉगआउट किया था। इधर दोबारा मैं लॉगिन कर सकता हूँ, उसके बाद दोबारा मैं डाटा एंटर जितना करना चाहूँ मैं डाटा एंटर कर सकता हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मैंने इस कोड में क्या किया है। ये देखें, मैं इसको आप लोग एक और दफ़ा लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझाऊँगा कि इस पूरे कोड में जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इस कोड में हमने क्या किया है। मैं हर वीक जावा के प्रोजेक्ट्स अपलोड करूँगा WSP टेक चैनल पर और WSP टेक वेबसाइट पर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए।